नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर में रुकने के लिए बेहतर जगहों के बारे में बताऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो आपकी अमृतसर में जो रुकने की समस्या है ना, वो मैं जरूर दूर कर दूंगा। इस वीडियो को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बाबा कुंदन सिंह जी संगत निवास है उसके विषय में बताया। सेकेंड पार्ट में मैंने बीबी धनवंत कौर जो धर्मशाला है उसके विषय में बताया। थर्ड नंबर पे जो गोल्डन टेम्पल का और एजेंसी है उसके थ्रू जो बहुत सारे संगत निवास चलते हैं उस पर आप फ्री में कैसे रुक सकते हैं, कहाँ पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, सभी विषय में बताया है। और फोर्थ नंबर पे जो गोल्डन टेम्पल के द्वारा चलाए गए दो संगत निवास है जिसमें ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, माता गंगा जी निवास और सहारागढ़ निवास, उसके विषय में बताया। और सभी जगह की मैंने डिटेल बात की है कि उसका लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, वहां पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब सब कुछ डिटेल में बताया। तो वीडियो को ध्यान से देखें। बाबा कुंदन सिंह जी संगत निवास के विषय में बात करेंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये अंतर्यामी कॉलोनी में पड़ता है। यदि आप अमृतसर में नहीं है तो आपको इस कॉलोनी के विषय में पता नहीं होगा। तो यदि आप रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं या बस स्टेशन से उतर रहे हैं तो इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर, तो ऑटो के थ्रू आप यहां पहुंच सकते हैं। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो ओला उबर या रैपिडो के थ्रू आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाएं। यदि आप शेयरिंग ऑटो के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो जगह है या फिर आपका जो गोल्डन टेम्पल है उसके लिए ऑटो ले ले, वहां से इसकी दूरी बस 2 किलोमीटर है। तो यदि आप इस जगह पे रुकते हैं तो आपको इस दोनों जगह पे जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 20 मिनट में 2 किलोमीटर के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये जो रास्ता है मार्केट का ही है एरिया है, तो आप यहाँ पे ज्यादा अगर व्हीकल के थ्रू जाएंगे तो रशी होता है, तो पैदल ही जाएंगे तो आप ज्यादा इंजॉय करेंगे। मीन्स यह जगह काफी बेहतर है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे यदि प्राइस की बात की जाए तो 175 रुपए में आप दो लोगों के लिए नॉन एसी रूम बुक करा सकते हैं। यदि आपको एसी रूम बुक कराना है इसके लिए 400 रुपए पे करना पड़ेगा। तो एसी रूम 400 रुपए में जगह काफी बेहतर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको रूम नहीं मिलेगा। मतलब यदि आपको आज रूम चाहिए या 2-4-5 दिन के बाद रूम चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने घर से ही कॉन्टेक्ट करके पता कर ले। कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे ही मैं डाल देता हूँ, तो कॉन्टेक्ट करके पता कर ले कि कब के लिए खाली है और उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर ले। तो आपको एडवांस में कुछ पे नहीं करना पड़ता है, तो आप बुकिंग करवाएंगे तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बुकिंग जरूर करवा लें क्योंकि एट ए पॉइंट आप जाएंगे तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। यदि गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 129 लोगों ने इसके रेट किया और मैक्सिमम लोगों ने इसे 5 स्टार दिया। मीन्स मैक्सिमम लोगों को यह जगह काफी अच्छी लगी है और मतलब इसका ओवरऑल रेटिंग 4.5 है। बीबी धनवंत और धर्मशाला के विषय में बात करेंगे। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 600 मीटर है जिसे आप 7 से 8 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा कवर कर सकते हैं। यदि गोल्डन टेम्पल से इसकी दूरी की बात की जाए तो 1.8 किलोमीटर है जिसे आप 22 से 23 मिनट पैदल चल के यहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ का लोकेशन काफ़ी बेहतर है। अब इसके बुकिंग की बात करें तो आप कॉन्टेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं, यहाँ पे रूम अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको। यदि आपको एसी कमरा चाहिए तो यहाँ पे आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा जिसमें आप 2 से 3 लोग रुक सकते हैं। सबसे खास बात ये है ना, यदि आप यहाँ पे अकेले आ रहे हैं तो 50 रुपये में आपको एक कमरा मिल जाएगा जिसमें आप रुक सकते हैं। यदि गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 71 लोगों ने इसे रेट किया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.1 है। मतलब कुल मिला के लोगों को यह धर्मशाला जो है काफी बेहतर। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जो गोल्डन टेम्पल का ट्रस्ट है उसके द्वारा कौन कौन सी धर्मशालाएं या निवास जो है वो चलाई जाती है। तो बहुत सारे निवास हैं, जैसे मैं आपको नाम बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे आता है श्री गुरु रामदास जी निवास, दूसरे नंबर पे आता है श्री गुरु नानक निवास, तीसरे नंबर पे आता है श्री गुरु अर्जन देव निवास, चौथे नंबर पे आता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी NRI निवास, पांचवे नंबर पे आता है श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी निवास, छठे नंबर पे आता है न्यू अकल रेस्ट हाउस, सातवें नंबर पे आता है बाबा दीप सिंह जी निवास, आठवें नंबर पे आता है माता भाग जी कौर निवास, और नौवें नंबर पे आता है माता गंगा जी निवास, और दसवें नंबर पे आता है सहारागढ़ी निवास। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो
गोल्डन टेम्पल से इन सब की दूरी लगभग 750 मीटर है। तो आप किसी भी जगह पर आप 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा पहुंच सकते हैं, और रास्ता काफी व्यस्त है तो आपको ऑटो ऑटो नहीं मिलेगा, लेकिन 10 मिनट के पैदल यात्रा पे अगर आपको बेहतर जगह मिल रहा है, मतलब आप गोल्डन टेम्पल से निकलेंगे ही और आपको ये सभी जगहें मिल जाएंगे। गूगल मैप के थ्रू आप सभी जगह पहुंच सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस सब जगहों के लिंक भी डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब आती है आप वहां पे बुकिंग कैसे करवाएंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी बस दो जगह पे अवेलेबल है, जो कि है आपका पहला नंबर पे माता गंगा जी निवास और दूसरे नंबर पे सहारा गरी निवास। इस पे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको बताऊं तो www.sgpcsaray.com, जिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें सभी धर्म इन दोनों धर्मशालाओं के बारे में बताया है और ऑनलाइन बुकिंग प्रोसीजर के बारे में, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में मिल जाएगी। अब ऑफलाइन बुकिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे श्री रामदास जी निवास जो है वहाँ पे फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हैं। और 200 का रूम यहाँ पे बस दीप सिंह गुरुद्वारा में अवेलेबल है, और 300 रुपये का कमरा माता भागजी कौर निवास में अवेलेबल। और सभी जगह पे आप 500 रुपये में एसी कमरे में रुक सकते हैं, जिसमें आप 3 से 4 लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और किसी किसी जगह पे तो डबल बेड का 2 बेड लगा हुआ है, तो उसमें आप 4 से 5 लोग भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कुल मिला के जगह बेहतर है। अब आप बुकिंग की प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप सबसे पहले श्री गुरु अर्जन देव निवास में चले जाए, जो कि गोल्डन टेम्पल से थोड़ी दूर पे है। तो उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे बुकिंग काउंटर है, जिसपे आप यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, या किस पे कितना प्राइस है सब पूछ सकते हैं। मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का, उस पे भी आप जाके पता कर सकते हैं कि किसमें कितना कमरा है, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे और कितना एडवांस जमा करना पड़ेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसे भी चेक कर सकते हैं। बुकिंग की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया बुकिंग का प्रोसीजर। तो ये कुल मिला के बहुत ही बेहतर जगह है। इसकी रेटिंग भी गूगल पे मैंने चेक की तो सब बता रहे थे कि साफ सुथरा टॉयलेट है, मीन्स सबकी रेटिंग तो 4.5 से ऊपर ही है, किसी की 4.1 है, मीन्स बेहतर जगह, कुल मिला के काफी बेहतर जगह है। नंबर पे आता है माता गंगा जी निवास, यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो हरमंदर साहिब मीन्स गोल्डन टेम्पल से इसकी दूरी 750 मीटर, मतलब 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी की बात की जाए तो वो 2.4 किलोमीटर है। यदि आप पैदल आना चाहते हैं तो आपको 30 मिनट का समय लग जाएगा, या फिर आप ऑटो के थ्रू 15 से 20 रुपये पे करके यहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि इसके रूम की बात की जाए तो यहां पे एसी रूम आपको 500 रुपये मिल जाएगा, यहां पे आपको डबल बेड का 2 बेड मिल जाएगा, जिसमें आप 5 से 6 लोग आसानी से रुक सकते हैं। तो यह काफी बेहतर जगह है, और धर्मशाला काफी बड़ा है, आपको सफोकेशन महसूस नहीं होगा, और हरमंदर साहिब के पास है तो इससे बेहतर जगह क्या ही हो सकती है। नंबर सेकंड पे आता सारागढ़ी निवास। यदि आप अमृतसर में रुकने के लिए प्रीमियम जगह चाहते हैं तो सारागढ़ी निवास आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। मीन्स यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको 4 से 5 स्टार होटल का मजा आएगा, मतलब काफी बेहतर जगह है। इसमें 9 फ्लोर है, मीन्स यदि आप अपर फ्लोर पे रुकते हैं तो सोचिए यहाँ से आपको अमृतसर का कितना खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 999 रुपीज में एक कमरा मिल जाएगा, जिसमें आप 2 से 3 लोग आसानी से रुक सकते हैं। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो हरमंदर साहिब से इसकी दूरी 800 मीटर, मीन्स 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहां पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 1.7 किलोमीटर है, मतलब 22 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहां पे पहुंच सकते हैं। यहां पे हवेली रेस्टोरेंट है इसके बाहर, जो कि 24x7 खुला होता है। तो यदि आप बेहतर खाना खाना चाहते हैं किसी भी समय, तो यदि आप यहां पे रुकते हैं तो आपको उसका भी फैसिलिटी मिल जाएगा। तो कुल मिला के यह जगह मुझे तो काफी बेहतर लगी। चलिए मैं अब आपको ऑनलाइन बुकिंग के प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल पे www.sgpcsaray.com सर्च कर लें, या फिर sgpcsaray जब आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको सराय बुकिंग का ही लिंक मिलेगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, उसमें भी क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पे पहुंच सकते हैं। अब आप होम पेज पे पहुंच गए हैं
तो वहां पे आपको लॉगिन पेज खुला होगा, लेकिन आपको तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, वहां पे अपना ईमेल आईडी डालें, फिर पासवर्ड डालें, फिर कंफर्म पासवर्ड करके जो टेक्स्ट डाला हुआ है उसे इंटर करके रजिस्टर्ड मार दें। जब आप रजिस्टर्ड मारेंगे तो आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा जिसपे आप कंफर्म करें जो ये आप ही का मेल आईडी है। जब आप कंफर्म कर देंगे तो वहीं से आप जाके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर से आप वही जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाए। आप लॉगिन पेज पे पहुंच गया तो आपका जो मेल आईडी है, मेल आईडी डाले, फिर पासवर्ड डाले, फिर जो आपका टेक्स्ट शो करा है उसे इंटर करके लॉगिन कर दें। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आप बुकिंग पेज पे पहुंच गए। जब आप बुकिंग पेज पे पहुंच गए तो आपको सराय नेम का जो निवास नेम है, सराय नेम, उसको आप सेलेक्ट कर ले। वहां पे आपको माता गंगा जी निवास और सेकंड नंबर पे जो सारागढ़ी निवास है वो शो करेगा। तो आपको जिसमें बुकिंग करवानी है उसमें बुकिंग करवा सेलेक्ट कर ले। उसके बाद कैटेगरी आएगी। कैटेगरी में तो एक ही ऑप्शन है, यदि आप गंगा जी निवास में रुकना चाहते हैं तो चार एडल्ट और 3 चिल्ड्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप ये सहारागढ़ी निवास में रुकते हैं तो वहाँ पे आपको 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रेन का ऑप्शन अवेलेबल, वहाँ पे आप क्लिक कर ले। उसके बाद चेकिंग डेट है, तो चेकिंग डेट आप सर्च कर ले। यहाँ पे ओवरऑल माने तो जैसे आज 10 तारीख है तो आपको 25 तारीख का ही कमरा खाली मिलेगा, क्योंकि पहले ही बुक हो जाता है। तो आप उस डेट को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप अलग अलग डेट सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं जो किस दिन कमरा खाली है, उसके चेक इन डेट डाले, उसके बाद चेकआउट डेट डाले, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल डाले। याद रखें जो यहाँ पे आप यदि माता गंगा जी निवास में रुकते हैं तो 4 लोगों से कम नहीं रुक सकते हैं, और आपके फैमिली मेंबर होना चाहिए। मतलब आप बॉयज़ के ग्रुप हैं तो वो वहाँ नहीं रुक सकते, गर्ल्स के ग्रुप हैं तो वो भी वहाँ नहीं रुक सकते। ये सब यदि आप उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार उसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यदि आप कुछ भी गलती करते हैं तो वो आपको कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं करेंगे और वो आपको कमरा भी नहीं देंगे। तो इस तरह आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो उस पर आप सेलेक्ट करके चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दें। यदि आपको आ रहा है रूम अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आता है रूम नॉट अवेलेबल, तो आप अगले डेट को चेक करके बुकिंग करें। और जब आपको रूम अवेलेबल शो कर दे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, या कंटिन्यू जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाए। जब कंटिन्यू पे जाएंगे तो जितने लोगों का आपने डाला है, जो 4 लोग हैं मेरे साथ या 2 लोग हैं, उसके डिटेल डाले, उसका आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। एक आईडी प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो उसमें ये है 500 KB से कम होना चाहिए, तो उसे अपलोड कर दें। उसके बाद फिर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके पेमेंट कर दें। तो आप पेमेंट जब कर देंगे तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। यदि आपको कंफर्मेशन मेल नहीं आता है तो info@sgpc.in पे, या जो मैं आपको मेल आईडी डाल दूंगा उसका कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते। यदि वीडियो से कुछ भी मदद हुई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या बेहतर लगा या फिर आपके क्या सजेशन है जिसके औरों की भी मदद हो पाएगी। धन्यवाद।